पूजा की तैयारी कर रहे हैं और हम गाना गा रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर और देखिएगा हमारी पूजा की मस्ती। बस पूजा की तैयारी हमारी हो गई है और अनु भी तैयार हुए हैं, कहीं गए हुए हैं तो मैंने बाल निकाले हैं। बस ऐसे ही देखिए गजरा लाई थी मैंने, ये गजरा लगा लिया है थोड़ा सा लुक देने के लिए। पता है हमारे अनु को ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये मराठी नतना बहुत अच्छी लगती है। बताइए किस किस को पसंद है। तो बस फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी और मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरी मम्मी की साड़ी है, ये इसका लुक बताइए कैसी लग रही है। ये मम्मी की साड़ी, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो हम सब सिस्टर्स लोगों ने साड़ियाँ मम्मी की एक एक दो दो ले ली थी। तो बताइएगा मेरी मम्मी की याद में आज मैंने ये जन्माष्टमी पर साड़ी पहनी है आज मम्मी की। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ इस समय 7:30 बजे से और 7:45 बजे तक हम पूजा करेंगे। तो बाल काटने बाकी रह गए हैं लेकिन पसीना बहुत आ रहा है तो बाल काटने की इच्छा नहीं हो रही है। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपना और मस्ती लीजिएगा हमारे जन्माष्टमी के फुल ब्लॉग की। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कामनाएं लड्डू गोपाल सब पर कृपा बनाए रखें, हमारी यूट्यूब फैमिली पर, हमारी फैमिली पर, हमारे रिलेशन में सभी पर। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स हमारी तैयारी हो चुकी है पूजा की और इधर देखिए हमने ये साड़ी लुक डाला हुआ है, बताइएगा कैसी लग रही है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है और बहुत प्यार से मैंने पहनी है आज। ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, दूसरा पार्ट डालेंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे वीडियो पर जो लोग नए हैं प्लीज हमारे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए हमारी नत कैसी लग रही है, कैसी लग रही हूँ मैं कहिए क्या ख्याल है। और अनु को बहुत चिढ़ है नत से लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं तो डालूंगी भाई। काफी मेहूल आ रहे हैं नहा के क्योंकि गर्मी इतनी है, सब हम लोग इस समय नहाए हैं, दिन भर में ऐसा काम करते करते रेड पिट गई है बस बहुत ज्यादा। तो तैयारी सब है अनूप और मयूर की पूजा मेन होती है, जेंट्स लोग हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा मेन जेंट्स ही लोग करते हैं। तो बस अब अनूप और मयूर तैयारी करेंगे, मैं क्यारी का कंडा रखने जा रही हूँ और उसके बाद पूजा मेहूल आ रही है। बस जस्ट नहा के इस समय 7:45 हम 8 बजे पूजा अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो हम कंडा गर्म करने रखे आए हैं फ्रेंड्स और अब ये हमने छोटी सी ये निकाल ली है, इसमें हम ना हमने बनाया था हरीरा वगैरह बनाया था तो मंदिर में प्रसाद के लिए और भोग के लिए यही सब ले जाएंगे। तो इसमें कर लेते हैं सब बारी बार, चम्मच है मक्खन लेकर रखो। तो छोटी छोटी तैयारी में ना बहुत टाइम लग जाता है, बस तैयारी हो चुकी है भैया भूख के लिए निकाला जाएगा ना पहले तीनों चीजें ना, एक में खाली ना कर देना, एक में हाँ एक में कसार कर दो, हाँ भर दो इसमें जो मंदिर जाएगा ना सारा प्रसाद तो सही से इसमें भर दो। तो कंडल आ रही करने के बाद जा रहे हैं मंदिर प्रसाद वगैरह देने मंदिर पंडित जी के यहाँ। तो हमारा मंदिर और हमारा मंदिर देखिए कितना बढ़िया सजाया है, सजाया पिछली बार भी बहुत अच्छा सजाया था बढ़िया से। तो हमारे यहाँ फूल बेचती हैं तो जानती हैं हम फूल लेने डेली आते हैं, तो कितना अच्छा सा सब सजाया है। अभी यहाँ भजन कीर्तन खत्म हुए हैं, बहुत टाइम से हो रहे 5 बजे से करीब हो रहे थे भजन वगैरह। तो आओ तो हम अंदर पुजारी जी को देख कर आते हैं। राधे कृष्ण, राधे राधे राधे, लड्डू गोपाल की जय, कन्हैया लाल की हमारे जय। बहुत ही अच्छा मंदिर सजाया हुआ है देखिए, आओ अभी तक अच्छा देखिए हमारा कितना अच्छा सजाया हुआ है, पूरी रोशनी लाइट ज्यादा आ रही है। मंदिर
मम्मी की पैर छुआ था। पूजा करने के बाद अब हम प्रसाद मंदिर में दे आए और जिसे देना था बांट दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं पीले, हमें पंचामृत बहुत पसंद है तो कितना भी कोई पिला ले, पता है कहीं कथा वगैरह होती थी ना तो हम दो दो गिलास पी जाते थे, छुप छुप के पीते थे। तो बस अनूप भी पी ले, हम भी प्रसाद खा लें, और मेहूल तो खाना नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा, बस इतना ही बहुत है। तो आ जाइए पी लीजिए आप लोग भी, बहुत अच्छा बनाया। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद इसमें होता है ना, तो स्वाद वैसे ही बढ़ जाता है प्रसाद का।